मैम देखो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन वो कहते ना कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करो। तो मैंने स्कूल में कभी मतलब पढ़ाई नहीं हुई मेरे से, लेकिन मैंने स्कूल में ना कभी बदतमीजी भी नहीं करी थी। मतलब मेरे पूरे स्कूल करियर में ना सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको तुम शायद बदतमीजी बोल सकते हो, और वो भी मतलब ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैंने ना अपनी स्कूल की नर्स को बहन की लौड़ी बोल दिया था। देखो मेरे को पता है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के बहुत गलत साउंड कर रहा है, लेकिन मैं एक बार तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा ना तो तुम में से बहुत लोग अग्री करोगे कि भाई ठीक करा बोल के। बाकी बचे हुए लोग हर चीज में रोते तो हैं। नहीं मैं बताता हूँ मैंने उसको बहन की लौड़ी क्यों बोला था। मैं ना 12 साल का था और मेरे को ना एक बहुत फुद्दू शौक चढ़ा था पंजे लगाने का। मत पूछना क्यों, बस अच्छा लगता था। तो एक दिन ना मैं स्कूल में पंजा लगा रहा था और मेरा हाथ है ना यहां तक आ गया। मैं ऑलमोस्ट जीतने वाला था, एकदम से मेरा हाथ सुन्न हुआ, ये वाला हिस्सा तो यहीं रह गया और ये वाला मुड़ के यहां चला गया। मेरा हाथ है ना ऐसे दो हिस्सों में हो रखा है। तुमने कभी भेंगे लोग देखे हैं? एक आंख इधर एक आंख इधर, मेरा ना हाथ भेंगा हो रखा था। वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब ये फ्रैक्चर इतना एविडेंट था ना कि दूर से अंधे को दिख जाए। हमारे स्कूल में ना नीचे मेडिकल रूम था और उनके ना हर चीज के दो इलाज थे कि या तो क्रोसिन खा लो, उससे ठीक नहीं हो रहा तो ग्लूकोज पी लो। भाई हमारे स्कूल में जब लॉन्डो को पता लगा कि असेंबली में बेहोश होने पे ये ग्लूकोज भी लाते हैं, भाई 40-40 लॉन्डे बेहोश हो रहे थे, फिर आराम से ग्लूकोज लेके वहां 1-1 घंटा सो रहे हैं। तो मैं गया ऐसा हाथ लेके नीचे मेडिकल रूम में, वहां पे एक केरला की नर्स थी, मतलब केरला बोल दिया, नर्स बोलने की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं गया ऐसा हाथ लेके नीचे मेडिकल रूम में। देखो बात ऐसी है कि अगर तुम पढ़ लिख के किसी स्कूल में नर्स बन रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि तुम ना पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, तेरे सामने कोई ऐसा हाथ लेके आए, तेरा पहला रिएक्शन क्या होगा कि भाई हाथ को क्या हुआ? मेरी नर्स का पहला रिएक्शन था कि बेटा 15 मिनट बैठो, खाना खा रही हूं। मैंने कहा तू नर्स है SBI की एम्प्लॉई है? तुम में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसको इस पॉइंट पे बहन की लौड़ी बोला था, इतना बदतमीज नहीं हूं मैं चुपचाप शरीफ बच्चों की तरह उसके सामने ऐसे बैठा हूं। 15 मिनट मैंने उसको हाथों से चावल खाते हुए देखा है, यहां तक तरी बहरी थी यार। मैं चुपचाप 15 मिनट बस ऐसे बैठा हुआ था उसके सामने। उसने अपना खाना वाना खत्म करा, उठ के मेरे पास आई, आके मेरे को कहती इस पॉइंट पे तो बनता था बोलना, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं बदतमीज नहीं हूं। मेरे पास आई, मैं उसके सामने ऐसे बैठा हुआ हूं, उसने मेरे को देखा, कहती हां अब बताओ क्या हुआ। मैंने कहा मैम आप ना गेस करो। कहती हम डॉक्टर हैं डॉक्टर, हम गेस नहीं करते, हम डायग्नोस करते हैं। मैं कहा ठीक है डायग्नोस करो। उसने चेकअप शुरू करा, उसने पहले मेरी आंख में टॉर्च मारी, फिर उसने मेरी हार्ट बीट चेक करी और मैं वहां बैठ के देख रहा था कि ये कब तक बकचोदियां करेगी। भाई उसने 15 मिनट ये सब करा है, 15 मिनट अपनी बकचोदी करके कहती कि बेटा आपकी ना नजरें कमजोर हैं। मैंने कहा जब मैंने चश्मा उतारा था ये बात आपको तब नहीं समझ आई थी? और अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो शायद आपकी नजरें कमजोर हैं। मैं कहा मैम ये दो हिस्सों में रखा दिखाई नहीं दे रहा क्या? कहते हाँ टेढ़ा टेढ़ा सा तो लग रहा है, कहां से टूटा है? मैंने कहा मैम यहां से टूटा है। फिर
उसने मेरा हाथ दबाना शुरू करा। उसने मेरा हाथ यहां से दबाया, कहती दर्द हुआ? मैंने कहा नहीं। फिर उसने मेरा हाथ यहां से दबाया, कहती यहां दर्द हुआ? मैंने कहा नहीं। फिर जहां से हड्डी टूटी थी ना, उसने ना वहां बहुत जोर से दबाया, कहती यहां तो दर्द हुआ होगा? और देखो, एक होता है कि जोर से दर्द हुआ, चीख निकल गई। एक होता है कि इतनी जोर से दर्द हुआ कि चीख भी नहीं निकली। वो जो था इतनी जोर से दर्द होने की आवाज नहीं निकल रही है मुंह से। भाई मेरे को इतनी जोर से दर्द हुआ था ना कि 10 सेकंड तक मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 10 सेकंड के बाद मेरे मुंह से निकला, हां बहन की लौड़ी। मैंने कहा ये तू पूछ रही है, बता रही है? मतलब मैम क्या कर रहे हो? सब मेरी मम्मी को कॉल करो, स्कूल में बुलाओ उन्हें। उसने मेरी मम्मी को कॉल करा कि मैम आपके ना बच्चे का हार्ट टूट गया है, इसको ना स्कूल में लेने आ जाओ। मैं कहीं तो खुशखबरी सुना रही है क्या? उसने मेरी मम्मी को कॉल करा था 11:30 बजे। 12:30 बज गए, 1:30 बज गया, 2:30 बज गया। वैसे छुट्टी होगी स्कूल की। मम्मी स्कूल में आई 3:30 बजे। मैंने मम्मी को देखते ही बोला, मैं कहा मम्मी मैं ना 4 घंटे से टूटा हुआ हाथ लेके इस बहन की लौड़ी के साथ बैठा हुआ। सॉरी, 2 बार बोला था। मैंने कहा कहाँ थे आप? मम्मी कहती बेटा मेरी ना किटी पार्टी चल रही थी। मैंने फिर वापस नर्स की तरफ देखा। मैंने कहा मैम अब हुआ दर्द? अगर तुम्हें स्कूल में हीरो बनना है तो तुम पढ़ लिख के नहीं बन सकते। स्कूल में हीरो बनने के लिए ना कुछ तो कांड करना पड़ता है। तो मैं ना ऐसे स्कूल में अपने 3 दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था, मैं वैभव और वैभव, मतलब रोल नंबर से बिठाते थे, यही दोस्त बने थे मेरे। तो मैं ना आपस में डिस्कस कर रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, एंड वी केम अप विद द प्लान कि हम ना स्कूल में पटाखा फोड़ेंगे। और हमने ना आपस में रोल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। वैभव नंदा का काम था कि वो पटाखा लेके आएगा, मेरा काम था कि मैं माचिस लेके आऊंगा, वैभव कुमार का काम था कि वो पटाखा फोड़ने का गांड में दम लेके आएगा। तुम देख रहे हो कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स है। एक का काम वेपनरी, एक का काम एम्यूनेशन, एक का काम एग्जीक्यूशन। ऑलमोस्ट परफेक्ट मिशन था। अगले दिन स्कूल आने से पहले जब मैं घर से निकल रहा था, मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी माचिस देना। कहती क्या करना है? मैं कहा स्कूल में ना पटाखा फोड़ना है। कहती ये ना अगरबत्ती भी लेके जाओ, ये पटाखा ना अगरबत्ती के पीछे बांध दियो, अगरबत्ती को जलाइयो, अगरबत्ती धीरे धीरे जलेगी, पटाखा लेट फटेगा, तू ना पकड़ा नहीं जाएगा। ये जो विजडम है, ये विजडम ना सिर्फ और सिर्फ उम्र के साथ आ सकता है। हमारे ग्रुप में ना ये उम्र मिसिंग थी, तो ये विजडम भी मिसिंग था। तो मम्मी ने हमारा मिशन ज्वाइन कर लिया। तो अब ये ना बिल्कुल ही परफेक्ट मिशन था। हम स्कूल में गए, स्कूल में जाके हमने डीब्रीफिंग सेशन रखा। तो डीब्रीफिंग सेशन में पता लगा कि वैभव नंदा पटाखा लेके आया है, मैं माचिस और अगरबत्ती लेके आया, वैभव कुमार वो गांड में दम लाना भूल गया। उसने ना लास्ट मोमेंट में मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं फोड़ रहा। और हमें ना उसको फोर्स भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वैभव कुमार ना पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो पटाखा फोड़ता पकड़ा जाता सस्पेंड हो जाता, उसका करियर खराब हो जाता। अपना क्या है, बैंक जो छुट्टी समझ लेंगे। मैंने कहा ये काम मैं करूंगा। जैसे लंच ब्रेक हुआ, मैंने पटाखा लिया, अगरबत्ती ली, माचिस ली, मैं भागता हुआ वॉशरूम में गया। तो हमारे वॉशरूम में ना ऐसे यूरिनल्स बने हुए थे, तो जो आखिरी वाला यूरिनल था ना वो टूटा हुआ था, तो उधर छेद हो रखा था। मैंने ऐसे जमीन बनी, दीवार पे से सुसु में हाथ नहीं डाल रहा मैं, दीवार में छेद हो रखा था। मैंने उसको पटाखा रखा, उसके आगे अगरबत्ती लगाई, मैंने अगरबत्ती जला दी और मैं वॉशरूम से बाहर निकल गया। अब जब तुम एक इतने इंपॉर्टेंट मिशन पे हो और उस मिशन में तुम अपना टास्क पूरा कर चुके हो और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ये जो बीच वाला टाइम होता है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो वो स्ट्रेस ना मेरे को 5 मिनट के अंदर अंदर फील होना शुरू हो गया था। मैं कहा यार अभी तक क्यों नहीं फटा, अभी तक क्यों नहीं फटा, अभी तक क्यों नहीं फटा। और मैंने फिर खुद को काम डाउन करा, मैंने कहा नहीं अगरबत्ती है यार, चलने में टाइम लगता है, फट जाएगा। और 5 मिनट हो गए, अभी तक पटाखा नहीं फटा। वो स्ट्रेस ना और बढ़ने लग गया, मैं कहा कोई मुंह थे तो नहीं चला गया इसका।
लंच ब्रेक ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, अभी तक पटाखा नहीं फटा। मैंने कहा एक बार ना जाके चेक कर लेता हूँ। देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है, मेरे में उतना दिमाग नहीं था। मैं वॉशरूम में गया, आखिरी वाले गिरदन में तो पटाखा लगा हुआ है, बाकी पूरा वॉशरूम खाली है। पटाखे के जस्ट बाजू में छोटा सा बच्चा मूंद रहा है, दिख रहा है वो पटाखा जलता हुआ, दिख भी नहीं रहा, पटाखे की स्मेल तो आ जाती है ना। मैंने पटाखे की तरफ देखा, पटाखा सुलगना शुरू हो गया था, और पटाखा जब सुलगना शुरू होता है तो सुलगने से फटने तक एट मैक्स 2 से 3 सेकंड का टाइम होता है। तो इन 2 से 3 सेकंड में मेरे को इस बच्चे को समझाना था कि ये किस सिचुएशन में है। मेरे को ना इसको 2 सेकंड के अंदर अंदर बताना था कि भाई जहां तू खड़ा है तेरे बाजू में पटाखा है, वो पटाखा तेरे मुंह पे फटेगा, तू झपाक का कैरेक्टर लगेगा। और ये सब ना मेरे को उसको 2 से 3 सेकंड में समझाना था, तो मैंने फास्टेस्ट तरीका चूज करा। मैंने उसे एक शब्द में समझाया, मैंने कहा भाग। और ये बात ना मैंने बहुत अथॉरिटी से बोली थी, बहुत इंटेंट के साथ बोली थी, मैंने ऐसे मजाक में नहीं होता कि ओए भागना। मैंने उसे बहुत सीरियसली बोला, मैंने कहा भाग। पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या आया, कहता क्यों। भाई उसे आधे सेकंड के अंदर क्यों का जवाब मिला है, उसने बोला क्यों। भाई सारा सुसु उसके ऊपर, वो ना पीछे ऐसा करके पलटा है। भाई सहम गया था यार वो बच्चा बेचारा। हमने पता पटाखा कौन सा फोड़ा था, वो नहीं होता हरे रंग का इतने बड़े वाला, हाँ भाई बहुत जोर से फटता है यार वो, और हरा है जोर से फटेगा। अरे कोई डबल मीनिंग नहीं था इस बात में। भाई हमारा पता क्या था, ऐसे कॉरिडोर था, कॉरिडोर का ना जस्ट एंड में वॉशरूम था, एकदम से वो पटाखा फटा बहुत जोर से, और वॉशरूम में से ना इतना सारा धुआं बाहर निकला, और धुएं के बीच में से मैं हाथ में बच्चा पकड़ के कॉरिडोर में से सारे बच्चे ऊ करते हुए आ रहे हैं। भाई तुम ये समझ पा रहे हो ये कितनी बैड एस मोमेंट थी, पीछे ऐसा धुआं आ रहा है, मैं बीच में बच्चा पकड़ के स्लो मोशन में वॉक कर रहा हूं, उसकी लुद्दी अभी भी बाहर निकली हुई है, और इधर से सारे बच्चे हू करते हुए आ रहे हैं। भाई वो ना मेरी जिंदगी का सबसे बैड एस मोमेंट था। मेरे को ना उस दिन समझ आया था कि सारे टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट का क्रेडिट क्यों लेते हैं। उस दिन मेरे को एक और चीज समझ आई थी कि स्कूल में ये जो कैमरे लगे हैं काम तो करते हैं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर पीटी टीचर मेरे पास आ गई, आगे कहते यश पटाखा तुमने फोड़ा है। मैं कहने मैंने तो सिर्फ जलाया था, हाँ बट इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट। हाँ उसके बाद तो 10 मिनट मैंने उससे बहस करी, मैं कहा मैम एक बार प्लीज अनाउंसमेंट करा दो, सबको पता लगे ना। वो मेरे को नीचे लेके गई प्रिंसिपल्स रूम में, उन्होंने मेरे पापा को कॉल करा कि सर आपके बच्चे ने ना स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करा है। मेरे पापा की गांठ फट गई, पापा उन्हें समझा रहे हो मैम कैसी बातें कर रहे हो, हमारा सरनेम राठी है, राठी हिंदू है। उन्होंने पहले तो फोन काटा कि यार कैसा आदमी है। इतने में ना पापा ने मम्मी को कॉल कर दिया कि यार ये यश के स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, इसने स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करा है। मम्मी कहती बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करा, पटाखा फोड़ा है। पापा कहते चलो शुक्र है। अब तो स्टेक्स कम हो गए ना। उन्होंने फिर मम्मी को स्कूल में बुला लिया, मम्मी स्कूल में 4 घंटा लेट आई। कोई रीजन गेस करना चाहेगा, सो गई थी। भाई मम्मी स्कूल में आई, स्कूल में आके ना रोने लग गई कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और वाइस प्रिंसिपल मेरे को धमका रही, यश तुम्हें खुद की उम्र शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी मम्मी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बच्चा इतना गंदा है। और
मैं दिमाग में सोच रहा हूं, मैं कहा सुबह अगरबत्ती दिया इन्होंने, ये इन्हीं का ही प्लान था। इतनी जल्दी कौन गिव अप करता है यार अपनी औलाद पे।